गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगे, तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त और फैमिली के बीच में। लेट्स सी मैं ये कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ जिसको मैं अच्छे से धो के साफ करके रखी हूँ। अभी मैं इसे मैरिनेट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, एक छोटा चम्मच, देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे जो कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर यूज़ की हूँ, आप घर पे ही प्रिपेयर कीजिए, इससे बहुत अच्छा एसेंस आता है। यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर यूज़ की हूँ। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप दही यूज़ कर लें। यहाँ पे 2 चम्मच मैं पहले ऐड कर चुकी थी, अभी 2 चम्मच ऐड कर लूँगी। 1 चम्मच यहाँ पे लहसुन का पेस्ट यूज़ की हूँ। ये सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। देख सकते हैं अभी अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ मसालों को। अभी मैं इसे ढक के 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगी। यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है, तो मैं अभी फ्राइंग पैन चढ़ा दी हूँ गैस में। इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। इसमें यहाँ पे 1 सर्विंग स्पून बराबर मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ, उसको अच्छे से मैं गर्म होने छोड़ दूंगी और चिकन अभी एक एक करके ऐड कर दूंगी। अभी गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखिए। सारा चिकन मैं अभी ऐड कर चुकी हूँ, अभी मैं इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अभी 2 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। अभी गैस के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई रखिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी गैस के फ्लेम को आप धीमा करके इसको छोड़ दीजिए जब तक इसका पानी सारा चला जाए। देख सकते हैं धीरे धीरे इसका पानी जा रहा है चिकन का। ये दोनों साइड से चिकन का सारा पीसेस दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। देख सकते हैं एक साइड से ये बनना रेडी हो गया है। देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से हो जाए। इसी टाइम पे आप उसमें चारकोल का स्मेल भी दे सकते हैं। यहाँ पे रेडी हो गया है चिकन, तो मैं इसे निकाल दूंगी। सेम पैन में और थोड़ी सी मैं तेल ले लूंगी, 2 से 3 चम्मच आप तेल ले लें। और एक बड़ा सा प्याज को यहाँ पे फाइनली चॉप करके रखी थी उसको ऐड कर दूंगी। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, 80% ही भूनना है। अभी मैं प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। आप ये पेस्ट प्रिपेयर करते टाइम मिर्च का भी यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स होने के बबाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं 3 से 4 मीडियम टमाटर लेके इसका एक प्यूरे प्रिपेयर करके रखी हूँ, जस्ट मिक्सी में चला दी हूँ। बस इसको मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी मसालों के साथ और अभी इसे धीमा आंच में ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अभी देख सकते हैं मसाला का कलर बहुत अच्छा आ गया है,
अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे खुला छोड़ दूंगी धीमा आंच में, ताकि ये मसाला ज्यादा थिक हो जाए। देख सकते मसाला अच्छे से थिक हो गया है। अभी मैं उसमें जो चिकन था उसको ऐड कर दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारे को। अब इस टाइम में अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो पानी थोड़ा सा आप इसमें दे सकते हैं। अभी कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूंगी धीमी आंच में। देख सकते हैं 2 मिनट बाद बहुत अच्छा कलर आ गया है और बहुत टेस्टी लगता है ये ऐसे बनाने में। ये रोटी पराठा किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं 2 चम्मच क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम आप ऑप्शनल है, आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देख सकते हैं कितना रिच कलर आ गया है इसमें। इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी जब तक इसमें अच्छे से कलर आ जाए, ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दें। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। अब ज़रूर ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मस्ट ट्राई इट गाइज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी।